वो राम बन गए। आज हमारे बच्चे क्यों नहीं बन पाते? संत महात्माओं की पावन भूमि है। तो उन्होंने तुरंत कहा, महाराज जी एक और है बगल में, संतों की कृपा से फलीभूत हो रही है, आज तक फलीभूत हो रही है, क्यों न हो, यहाँ भक्ति आकर जवान क्यों न हो। बच्चे तो गधे भी पैदा कर लेते, मानव सिर्फ मानव ही पैदा कर सकते, देव तुल्य बनाना चाहते हैं, वो राम बन गए। आज हमारे बच्चे क्यों नहीं बन पाते? वो आर्ग्यू बहुत करते हैं लेकिन मां बाप की बात नहीं मानते हैं। ये महाराष्ट्र संत महात्माओं की पावन भूमि है। अभी जब हम आ रहे थे तो जो भैया गाड़ी चला रहे थे, हमको लेके आ रहे थे संभाजी नगर से, एयरपोर्ट से, ठीक है ना भाई साहब? हाँ, हमें तो कोई पहले बता देता तो हम तो नाम न लेते वहां को, हम तो ज्यादा अच्छे थोड़ी तो हो तुम या विषय में, ठीक है? तो कहां थे हम? तो संभाजी नगर में थे। जब वहां से ला रहे थे तो हमारे जो भैया गाड़ी चला रहे थे उन्होंने हमको बताया कि महाराज जी यहीं बगल में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, घुसमेश्वर महादेव। हमारे मन में भावना हुई कि बोले हम तो फिर चलेंगे, बगल में दर्शन करेंगे, अभिषेक भी करेंगे शिव जी का, अगर ये इन लोगों में कुछ आज चलेंगे एक दिन। तो उन्होंने तुरंत कहा, महाराज जी एक और है बगल में, एक इस साइड और एक इधर ही है ना, वो कौन से? त्र्यंबकेश्वर। पर वहां तो हम आए थे ना, पहले आ चुके कुंभ के समय में, और दूर भी है यहां से, तो बाबा ते बाद मिलेंगे कुंभ में, ये वाले बाबा से फिर कब मिलेंगे, तो इसलिए अभी जाएंगे। तो और बताया कि यहीं पे पैठन भी है बगल में ही, नामदेव जी यहां हुए, तुकाराम जी यहां हुए, संत एकनाथ जी यहां हुए। ये महाराष्ट्र की पावन भूमि संतों की कृपा से फलीभूत हो रही है, आज तक फलीभूत हो रही है, क्यों न हो, यहां भक्ति आकर जवान क्यों न हो। महादेव का वास यहां है, विट्ठल भगवान का वास यहां है, संतों का वास यहां है, और भगवान के भक्तों का वास यहां है। तो जहां ऐसा माहौल होता है वहीं तो भक्ति जवान होती है। और आपका और हमारा सौभाग्य है कि हम इस समय में आए हैं, हम और आप इस समय में मनुष्य बनकर आए हैं जहां हम अपने भगवान की भक्ति निर्भय होकर कर सकते हैं। एक समय वो था जब हमारी भक्ति पे भी पैरा रहता था, तलवार रहती थी या गर्दन पे, तिलक लगाओगे तो सर काट दिए जाएंगे। आज हमारा कितना सौभाग्य है, हम खुले में बैठकर भगवान की कथा कह सकते हैं और आप भगवान की कथा सुन सकते हो। ये ठाकुर की कृपा का साक्षात दर्शन है। इसलिए खुद भी सनातनी बनो और अपने बच्चों को भी सनातनी बनाओ। अगर तुम्हारे रहते रहते बच्चे सनातनी नहीं बन सके तो तुम्हारा मां बाप होने का कोई मतलब नहीं रह जाता, किसी काम के मां बाप नहीं। बच्चे तो गधे भी पैदा कर लेते, मानव सिर्फ मानव ही पैदा कर सकता है। और दुर्भाग्य से इस बात को कहना पड़ रहा है, आजकल मानव कम गधे ज्यादा पैदा। पशु किसको कहा? हमारे यहां कहते जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं वो पशु है। भगवत भक्ति से ही मानव श्रेष्ठ होता है। जिस परम पिता परमात्मा ने हमको जन्म दिया, अगर हम उसी को न माने, उसी की पूजा न करें, उसी का आदर न करें, तो हम काहे के मनुष्य है भाई। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान सो प्राणी। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं वो जीवित पशु के समान है और सबके समान है, मुर्दे के समान है। हम बच्चे अपने बच्चों को पशु बनाना चाहते, हम अपने बच्चों को मुर्दा रखना चाहते नहीं,
हम अपने बच्चों को जीवांत रखना चाहते हैं, देवतुल्य बनाना चाहते हैं, ईश्वर की कृपा पात्र बनाना चाहते हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार हों और वो सनातनी परंपराओं का निर्वाहन करने वाले हों।